हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। दोस्तों आजकल ई कॉमर्स बड़ी तेज़ी से रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब बिजनेस स्ट्रीट में। ई कॉमर्स आज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये क्षेत्र काफ़ी लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। ई कॉमर्स के नाम से जाने जाने वाले इस सेगमेंट की विकास दर 30% है। जब कोई सेगमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो उसके लिए लोगों की जरूरत तो होगी ही। ऐसे में भारत की HR कंपनीज ऑनलाइन सेगमेंट के लिए लोगों की नियुक्ति करने में लगी हुई हैं। किसी भी ऑनलाइन कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक टेक्नोलॉजी कि वो किस प्लेटफॉर्म पे हैं। जब 5,000 लोग एक ही बारी में एक साइट पे लॉगिन करेंगे तो वो साइट का को स्टेबल होना चाहिए, वो साइट बैठे ना, तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हेड्स और टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग होती है कि जो कंज्यूमर है उसको पता हो इस साइट के बारे में। टेलीफोन TRI ने अब जैसे SMS पे बैन लगा दिया है तो उनके लिए और ऑनलाइन कंपनी के लिए और डिफ़िकल्ट हो गया है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जो उनकी पैकिंग है, जो साइट की जो साइट के बारे में न्यूज़ है वो इफेक्टिवली कस्टमर को पहुंचनी चाहिए और वर्ड टू माउथ रेफर होनी चाहिए, तो इसलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट सोर्सिंग टीम है जो कि सही प्रोडक्ट्स और सही डील्स लेके आएगी, उसका होना, अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स सेक्टर की ज़रूरतें अलग ढंग की होती हैं, इसीलिए HR कंपनीज विशेष फॉर्मूला अपनाकर लोगों की बहाली कर रही हैं। हम देखते हैं कि वो एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी वाइफ है, एजुकेटेड है, बिकॉज जो स्ट्रेस, ये जॉब थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है और जब स्ट्रेस बाहर आता है तो आदमी घर ही जाके डिस्कस करता है और अगर घर पे सलाह ठीक ना मिले तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो वो आए वो उस बैकग्राउंड से आए जो जो कि पढ़ाई को अहमियत देते हैं। बाकी जो कैंडिडेट है उसकी वो बोलने में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। समवन जो कि चाहता है, बिकॉज ये सैलरी, यहाँ पर सैलरी प्लस इंसेंटिव ड्रिवन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिल सकता है। तो आपके अगर आपके आपकी सैलरी अगर 10,000 है तो आप 10,000 ऊपर से आप एज इंसेंटिव कमा भी सकते हैं। तो हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो कि एफर्ट जो कि काफ़ी एफर्ट करना चाहें। ई कॉमर्स को सपोर्ट करने वाले और कई सेगमेंट्स हैं जैसे लॉजिस्टिक्स और बैंकिंग। इन सेगमेंट्स को ई कॉमर्स को विशेष सेवा देनी होती है, इसीलिए बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स भी भारी मात्रा में ऐसे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो ई कॉमर्स के लिए सूटेबल हों। थोड़ा सेक्टोरियल एक्सपर्टीज हो तो बहुत अच्छा है। सपोज हम रिटेल के लिए कर रहे हैं तो कोई रिटेल बैकग्राउंड से हो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। अगर कोई FMCG बैकग्राउंड से हो तो हमारे को हम प्रेफर करेंगे। और सिमिलरली अगर कोई ऑनलाइन या कंज्यूमर ड्यूरेबल बैकग्राउंड से हो, बिकॉज उनको इंडस्ट्री की नॉलेज ज़्यादा होती है एंड उनको समझाना या समझना, उनकी प्रोफाइल समझना, कि जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है वो ज़्यादा आसानी से वो निपटा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ई कॉमर्स सेगमेंट में लाखों की संख्या में बहाली होने वाली है और भारत की HR कंपनीज इसके लिए कमर कस रही हैं।